नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी का फॉर्म भी भरा जा चुका है। एग्जाम के बारे में एक अफवाह कह लीजिए या फिर नोटिस कह लीजिए, है ना। हालांकि ऑफिशियल नोटिस नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि एग्जाम जो है इसका वह आपको मार्च में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में मैं आप लोग के लिए एक रामबाण तरीका लाया हूँ। वो तरीका क्या है जरा ध्यान से समझिएगा, कैसे आप एग्जाम पास करेंगे। थोड़ा सा मैं चाय पी लूँ, गला मेरा गरगर कर रहा है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, ये वैसे टॉपिक है दोस्तों, ये जो टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं बिहार एसएससी में, चाहे वो इंटर लेवल वाला हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल वाला हो, सीजीएल, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक ना। अब ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको बिहार एसएससी बार बार यूज करती है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछती है ना। और इनमें से ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हर बार पूछा गया है, इंटर लेवल फर्स्ट में और ग्रेजुएशन लेवल फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, सब में पूछा गया है। तो ऐसे टॉपिक हैं तो इनको पढ़ना ज़रूरी है। मैं आपको और भी बताऊँ, रुकिए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो टॉपिक है, ये केवल मैं बताने नहीं आया हूँ कि हम खाली बताएंगे, इन सबको मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा भी। जी हाँ, सही सुना आपने, इन सबको मैं पूरी डिटेल में पढ़ाने भी आया हूँ। और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सबसे पहले मैं किससे शुरू करूँ, हिस्ट्री शुरू करूँ या फिर साइंस या फिर भूगोल या फिर पॉलिटी, है ना। जो आपको लग रहा है पहले पढ़ना, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। कल ही से आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं बारी बारी से चर्चा कर लेता हूँ पहले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और जो इसके अलावा भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं पॉलिटी। ये आपका पॉलिटी है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ये है पॉलिटी। थोड़ा सा चाय पी ले, ठंडा हो जाएगा। ठंडी का मौसम है ना, तो इस वजह से चाय थोड़ा पीना पड़ेगा। देखिए, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको पंचायती राज, पंचायती राज से ये ऐसा टॉपिक है, हर बार पूछा गया है ये। तो पंचायती राज तो डेफिनेटली पढ़ना ही है। उसके बाद लोकसभा की सीट पूछा गया था और एक बार राज्यसभा की सीट भी पूछा गया है। तो लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट दोनों पढ़ेंगे, विधिवत पढ़ेंगे, नोट भी करते जाइए अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो। संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ है ये भी पढ़ना है। संविधान की कुछ समितियाँ जैसे झंडा समिति, प्रारूप समिति, फाला समिति, बहुत सारी समितियाँ थी, तो उन सब के बारे में भी पढ़ना है। ध्वज, कहने का मतलब है कि प्रतीक, गीत, गान, ये कब लिया गया है, इसको मान्यता कब मिली, ये सब भी पढ़ना है, क्योंकि ये सब पूछा गया है। जितने भी दिख रहे हैं ना, जितने, सब पूछा गया है, सब। तो सबको पढ़िएगा और हमारे साथ अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल डिटेल में मैं बताऊँगा, जैसे बिहार पुलिस की करा रहा हूँ उसी प्रकार से। हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कौन नियुक्त करता है, कौन हटाता है, पूछा गया है, तो इसको भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि खाली हाई कोर्ट, उसको भी पढ़ेंगे। मानवाधिकार आयोग, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये सब है, तो ये भी पढ़ेंगे, है ना। और देखिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से भी पूछता है कि भैया फला अनुच्छेद जो है वह किस लिए प्रसिद्ध, फला अनुच्छेद में क्या है, या फिर दे देगा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो ऐसे करके। तो ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग से भी क्वेश्चन आया है, पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आता है। संसद, संसद के सदन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब आता है, तो संसद से भी पढ़ना है। अनुसूची, आठवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, जो भी अनुसूचियाँ हैं सब पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी पढ़ना है ना। पंचवर्षीय योजना, फाइव ए प्लान, और संविधान के स्रोत कहाँ से लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल का कार्यकाल कहाँ से लिया गया है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चले आगे, आगे देखिए, अब ये है ज्योग्राफी। हाँ, ज्योग्राफी में हम लोग आते हैं, तो ज्योग्राफी में देखिए, देश राजधानी ऐसा टॉपिक है, एक एक एग्जाम में, एक एक दिन, एक एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन देश राजधानी से आया है केवल, और ये सारे में लगभग पूछा गया है, सब एग्जाम जितना भी हुआ सब में पूछा गया है देश राजधानी।
तो जरूरी पढ़ेंगे इसको। फिर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से भी पूछा है। झील, भारतीय झील के साथ साथ विदेशी झील भी पूछा है भाई, तो विदेशी भी पढ़ेंगे। भारतीय बंदरगाह के साथ विदेशी बंदरगाह भी पूछा है। नदी एवं उनके उद्गम स्थल कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, और परियोजना, बहुदेशीय परियोजना जो है ये सब पढ़ना है। ऊर्जा स्रोत जैसे परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, ये सब, देशों की मुद्रा, ये भी बार बार पूछता है, तो इसको भी पढ़ेंगे। ये वाला और ये वाला हर बार पूछता है, बार बार पूछता है। थोड़ा सा चाय की चुस्की ले लीजिए, क्योंकि चाय ठंडा हो जाएगा, है ना। चाय इसलिए पी रहे हैं, वैसे चाय ज़्यादा नहीं पीता हूँ क्योंकि गला थोड़ा हमारा खराब हो रहा है। देखिए, क्षेत्रीय नृत्य, लोक नृत्य, संगीत, ये सब भी पूछा जाता है, पूछा जाता नहीं, पूछा गया है, ठीक ना। महासागर, कौन सा महासागर क्या है, कितना बड़ा है। आर्द्रभूमि से भी आया है क्वेश्चन, तो ये भी पढ़ेंगे। प्रमुख क्रांति और उनके जनक, हरित क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक, है ना, तो ये सब भी पढ़ेंगे, पूछा है। मौसम, भैया किस मौसम से कब वर्षा होती है, कहाँ में होती है वर्षा, है ना। पर्वत, कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, सबसे छोटा है, है ना, ये सब भी। अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये सब भी पढ़ लेंगे, पूछा है। विश्व के घास स्थल, घास के मैदान, कौन सा घास का मैदान कहाँ है, पंपास कहाँ है या फिर प्रेरिज कहाँ है, तो ये सब पढ़ लेंगे। प्रमुख संगठन जैसे कि सार्क हो गया, WTO हो गया, GATT हो गया, है ना, तो ये सब पढ़ेंगे। और प्रमुख संस्थान भी पढ़ेंगे, जैसे चावल अनुसंधान संस्थान हो गया, ट्रैक्टर अनुसंधान, सड़क अनुसंधान, ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग। फसल उत्पादन, कौन सा फसल में कौन सा राज्य अग्रणी है, ये भी पढ़ेंगे। पवने, स्थानीय पवने और साथ ही साथ व्यापारिक पवने भी पढ़ेंगे, कौन सी पवने कहाँ चलती हैं, ये भी पढ़ेंगे। आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं साइंस में। साइंस में देखिए, अयस्क से पूछा है, तो अयस्क भी पढ़ लेंगे। अपवर्तनांक पढ़ लेंगे, ऑक्साइड पढ़ लेंगे, किसके ऑक्साइड हैं। मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, मस्तिष्क से भी पूछा है। वायुदाब पढ़ेंगे, नेत्र पढ़ेंगे यानी आँख, विटामिन भी पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव भी पढ़ेंगे, धातु और अधातु बार बार पूछा जाने वाला सारे एग्जाम में, ये भी पढ़ेंगे। हार्मोन्स पढ़ेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे, रोग तथा उनके कारक पढ़ेंगे, शैवाल पढ़ेंगे, पादप पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे और कोशिका पढ़ेंगे, पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों। फिर प्रतिरोध पढ़ेंगे, फिर लाइट पढ़ेंगे, मापक यंत्र भी पढ़ेंगे, अम्ल क्षार भी पढ़ेंगे, आणविक सूत्र पढ़ेंगे और परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये सब पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, कुछ देखिए करंट में भी आ जाता है और फिर पुरानी पुस्तकें भी पूछ देता है, पुरस्कार भी पूछता है, नए नए जो रोग जैसे कोविड आया था तो कोविड पूछा, इबोला आया था तो इबोला पूछा, तो ये भी पढ़ेंगे। वर्तमान में जो नोबेल होता है, जिस सन एग्जाम होता है, अगर उसके आसपास कोई नोबेल मिला है तो वो, दो बार ये पूछा गया है, दवा का नाम दे दिया है, अब पूछता है कि ये दवा किस बीमारी में काम आता है, ठीक ना। तो ये भी, अभी चलते हैं हम लोग हिस्ट्री में, उसके बाद हम, अभी बने रहिए, मैं बताऊंगा कि इसके अलावा भी पूछा जाता है, ये नहीं कि खाली यही। देखिए हिस्ट्री में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक, उसके बाद मुगल से भी आया है क्वेश्चन, तो मुगल पढ़ लेंगे भैया। ब्रिटिश से कब किसको मुक्ति मिली, जैसे म्यांमार कब आजाद हुआ, भारत कब हुआ, पाकिस्तान कब हुआ, ये सब पढ़ेंगे। प्रमुख चित्रकार, संगीतकार, इतिहासकार जो थे, जैसे मुगल में हो गए, गुप्त में हो गए, तो उन सब के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक ना। राउंड टेबल सम्मेलन यानी गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, गांधी जी किस में भाग लिए थे, कांग्रेस किस में भाग ली थी, ये सब पढ़ेंगे। वायसराय के कार्य, कौन सा वायसराय रेल चलाया, कौन सा वायसराय विश्वविद्यालय बनाया, कौन सा वायसराय शस्त्र अनिवार्य किया, तो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन आए हैं, तो स्वतंत्रता आंदोलन पूरा पढ़ेंगे। आंग्ल युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, आंग्ल मराठा या आंग्ल सिख, सारे युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति, बिहार में, भारत में, सब पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। प्रमुख संधियां,
जो संधि हुई है, जैसे सुगोली की संधि या फिर और भी संधि, पुरंदर की संधि, तो ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। शिवाजी के बारे में भी पढ़ेंगे, मराठा के बारे में पढ़ेंगे ही, है ना। अमीर खुसरो और इनके जैसे जैसे फिरदौसी या जैसे बहुत सारे हैं कवि, इतिहासकार, संगीतकार, तो सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब क्योंकि पूछा गया है तो इतने टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, एक दो टॉपिक छूट भी रहा होगा, लेकिन इतने टॉपिक जो हैं यह बार बार यूज होते हैं और इससे क्वेश्चंस बनता है। तो अब आप ये बताइए कि कौन वाला पहले स्टार्ट करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बता दीजिए, या फिर ज्योग्राफी बता दीजिए, पॉलिटी बता दीजिए, या फिर हिस्ट्री बता दीजिए, जो बताइए वही शुरू करेंगे। कल से ही मिल जाएगा आपको, इंतज़ार नहीं करना है, कल से ही। आज ये वीडियो आप 24 तारीख में देख रहे हैं, 25 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो 25 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। बहरहाल आप कमेंट कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कि किसको स्टार्ट करें, ठीक ना। इसके अलावा भी जो टॉपिक हैं उन पर भी हम लोग नज़र डालेंगे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त और गुलाम, जो भी दिल्ली सल्तनत में आता है, सब पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि एग्ज़ाम है 3-4, बिहार SSC है, फिर आपका बिहार पुलिस भी है, UP पुलिस है, SSC GD है, तो ऐसे पढ़ेंगे कि सब में आपका काम आ जाए, है ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।